विश्व आज आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हो चुका है। इजराइल हमास आतंकवादियों को समाप्त करने की जंग जो है वो जारी है। कई नेता जो हैं जम्मू कश्मीर के भी वो वहां हमास के खिलाफ फेवर में जो है वो खड़े हुए, लेकिन कल अरनैया के अंदर जो सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया, जिसके अंदर सैकड़ों नागरिक हमारे जो है घायल हुए, बीएसएफ के दो जवान घायल हुए, लेकिन किसी का कोई ट्वीट नहीं आया और किसी ने भी इसके ऊपर जो है दो शब्द नहीं कहे। यह दोहरी नीति जो है इन नेताओं की आज सामने जो है वो सभी के सामने आ गई है। पाकिस्तान इस प्रकार की हरकतें पहले भी करता रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान के फेवर में उनके पक्ष में जो प्रेम दर्शाते हैं नेता, वो कभी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलेंगे। आप क्या बोलते हैं, क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से इसराइल ने हमास के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं, उसने प्रण लिया है कि जो हमास आतंकवादी संगठन है उसने इसराइल के निर्दोष नागरिकों का खून बहाया, जिस प्रकार से महिलाओं के साथ अभद्र तौर पर उनका काम किए गए, वो सारा वीडियो जो है वो वायरल हुए, लेकिन उन वीडियो के ऊपर कोई नहीं बोला। लेकिन इसराइल ने इसके ऊपर कुछ सख्त जो है वो निर्देश दिया अपनी सेना को, और आज उनकी सेना जो है इन आतंकवादियों के पीछे पड़ी हुई है, लगातार इन आतंकवादियों को समाप्त कर रही है। तो भारत को भी इस प्रकार के निर्णय जो है वो लेने पड़ेंगे, क्योंकि लंबे समय से ये आतंकवादी जो है वो भारत के अंदर जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा देते रहे, तो पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान को समाप्त करने का काम अब करना पड़ेगा।